Good morning everyone, welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about some of the groups which have seized power from the Mughals. Mukhya taur par wo samuh jinhone ki struggle kiya, sangharsh kiya, they fought war against the Mughals, Mughalon ke khilaf yudh lade aur apne alag rajya ki sthapna ki. Jisme humne sabse pehle discuss kiya tha Sikh, jinhone Punjab state ki sthapna ki thi. Uske baad humne padha Maratha, jo Shivaji ke netritva mein लीडर एबिलिटी ऑफ शिवाजी, उन्होंने एक अलग मराठा राज्य की स्थापना की और लगभग मुगल साम्राज्य को उन्होंने पूरी तरह से खत्म करने का काम कर दिया था. यानी बहुत बड़े लंबे चौड़े एरिया तक उन्होंने शासन किया. अगर नॉर्थ की बात करें तो दिल्ली तक चले गए थे वो, दिल्ली और राजस्थान तक. उसके बाद अगर हम साउथ की बात करें तो नीचे कर्नाटक, तमिलनाडु तक, और ईस्ट की बात करें तो बंगाल, उड़ीसा तक उन्होंने शासन कर लिया था. अब हमारे पास नेक्स्ट जो ग्रुप है ऐसा ही एक और समूह जिसने कि लगातार चैलेंज किया मुगल्स को और उसके बाद एक अलग मजबूत राज्य की स्थापना की, अपने शासन की स्थापना की, उस ग्रुप के बारे में आज पढ़ेंगे, द लास्ट वन इन दिस लेसन. और वो कौन सा ग्रुप था? द जाट्स. तो ये जो जाट जिन्होंने कि आगे एक मजबूत राज्य की स्थापना की, किस प्रकार की, लेट्स सी. अब इन्होंने महत्वपूर्ण तौर पर जाट जो थे वो मजबूत कब हुए? इन द लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, लेटर हाफ उत्तरार्ध यानी अंतिम समय 1650 के बाद का समय, और बेसिकली 18th सेंचुरी के शुरुआत में इन्होंने एक मजबूत कंसोलिडेशन, एक मजबूती से अपनी पावर इकट्ठी, कंसोलिडेट की अपनी पावर को, और उसके बाद मुगलों के खिलाफ लड़े और अलग राज्य की स्थापना कर दी. इनके महत्वपूर्ण लीडर थे चूड़ामन. चूड़ामन के नेतृत्व में, एक मजबूत शासक के चूड़ामन के नेतृत्व में इन्होंने धीरे धीरे जब अपने शासन को मजबूती से बढ़ाया, युद्ध लड़े, तो उसके बाद एरिया वेस्ट टू दिल्ली, दिल्ली के पश्चिम के जो इलाके थे उनकी तरफ अपना शासन मजबूत कर लिया, उन एरिया पर अपना नियंत्रण करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे दिल्ली से आगरा तक के जितने भी महत्वपूर्ण जगह थे उनके ऊपर अपना कब्जा कर लिया. एंड फॉर ए व्हाइल दे बिकेम द सुपर पावर और द सुप्रीम लीडर इन द आगरा रीजन. आगरा में सबसे महत्वपूर्ण शासक बन गए, महत्वपूर्ण पावर बन गए वहां की, आगरा के आसपास की. तो उस टाइम पर चूड़ामन के नेतृत्व में जाटों ने अपनी जो मजबूती से देश के अंदर राजनीतिक तौर पर अपनी पहचान बनाई, और खासकर रीजन कौन सा, दिल्ली से वेस्ट का जो रीजन था उसके अंदर, खासकर दिल्ली से आगरा तक के बीच का जो रीजन था उसके ऊपर अपना शासन किया. इस दौरान ये ज्यादातर जो जाट थे कौन, एग्रीकल्चरलिस्ट. एग्रीकल्चरलिस्ट मतलब खेती करने वाले, खेती से जुड़े हुए लोग थे, यानी ज्यादातर कृषि किसान परिवारों से थे. लेकिन एक अलग राज्य की स्थापना की, जब इन्होंने शासन अपने मजबूती से स्थापित किया तो उसके बाद खेती के साथ साथ महत्वपूर्ण कुछ सेंटर ऐसे ट्रेड सेंटर भी डेवलप किए, और ट्रेड सेंटर में महत्वपूर्ण कौन से थे, पानीपत एंड बल्लभगढ़. अब ये दोनों जिले कहां है, हरियाणा में. पानीपत और बल्लभगढ़ दोनों कहां है, हरियाणा में. ये महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे जाट जब शासन करते थे उस दौरान. उसके बाद जैसे जैसे इन्होंने अपना शासन वहां से और आगे बढ़ाया तो राजा सूरजमल ये भरतपुर राजस्थान में, भरतपुर में एक मजबूत राज्य की स्थापना की राजा सूरजमल ने. उस दौरान उन्होंने वहां भरतपुर के अंदर फोर्ट भी बनाया, ट्रेडिशनल वे में जैसे परंपरागत हमारे किले होते हैं वैसा ही किला बनाया गया था भरतपुर में, एक मजबूत राज्य की स्थापना की. और यहां से इसने मजबूत राज्य की स्थापना की 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया, 1739 में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया दिल्ली के ऊपर, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे दिल्ली के, जो नोटेबल पर्सन फ्रॉम दिल्ली, जो कि महत्वपूर्ण लोग थे वहां के, उन्होंने क्या किया, शरण ली इसके पास. दे केम टू भरतपुर टू डिफेंड देमसेल्व्स, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, किसके पास शरण ली, राजा सूरजमल के पास, कहां, भरतपुर में, जब नादिर शाह ने आक्रमण किया. अब उसके बाद इस भरतपुर के ऊपर थोड़ा सा और अपना साम्राज्य मजबूत करने के लिए और मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए जो इनका लड़का था जवाहर शाह, उसी खुद की सेना थी, इसमें 30,000 से ज्यादा सैनिक थे, और उसके साथ साथ उसने 20,000 मराठा और 15,000 सिख जो सैनिक थे उनको भी हायर किया ये मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि ये ग्रुप पहले से ही मुगलों के खिलाफ थे. तो जब जवाहर शाह ने अपने शासन को और मजबूत करने के लिए मुगलों के साथ लड़ने के लिए खुद की सेना तो 30,000 की, उसके बाद 20,000 मराठा और 15,000 सिख सैनिकों और अपनी सेना के अंदर शामिल की. उसके बाद उन्होंने
अगर महत्वपूर्ण निर्माण की बात करें तो फोर्ट जैसे मैंने पहले ही बताया, एक तो भरतपुर में भरतपुर का किला बनवाया, उसके बाद डिग जो जगह है उसके अंदर भी एक किस प्रकार का एक पैलेस विद गार्डन, पैलेस और चार बाग आपने सुना हुआ है, जैसे शाहजहां के टाइम पर जिस प्रकार के भवन का निर्माण होता, जैसे महल बनाया जाता है उसके अंदर चारों तरफ क्या होते थे, गार्डन होते थे, उसी प्रकार उसी वे में शाहजहां की नकल करते हुए मान सकते हैं आप इसको, डिग के अंदर उन्होंने एक बड़े महल का निर्माण कराया जो कि विद गार्डन, जिसके चारों तरफ गार्डन बनवाए गए थे। तो ये हमारे महत्वपूर्ण जो लास्ट ग्रुप था जिन्होंने की लगातार संघर्ष करके युद्ध लड़के मुगलों से एक अलग राज्य की स्थापना की थी, मजबूत राज्य की स्थापना की थी। ये अंतिम ग्रुप जो हमने इसमें पढ़ा हुआ था जाट, अब इनके महत्वपूर्ण लीडर कौन, चूड़ामन, चूड़ामन वाज द मेजर लीडर ऑफ जाट्स इन द बिगनिंग। उसके बाद जो महत्वपूर्ण लीडर बने वो कौन थे, सूरजमल जिन्होंने एक अलग मजबूत भरतपुर राज्य की स्थापना की, और उसके बाद उनका उनके जो लड़के थे सूरजमल के, जवाहर शाह। तो ये हमारे पास इस लेसन में अंतिम टॉपिक था। If you have doubt, then you can ask. I will provide you the question answer in PDF format. Thank you, have a nice day.